कमेंट बॉक्स में वेल्डन दिल्ली लिखना ना भूलें, क्योंकि आपको बता दें कि आईपीएल के अहम मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस पे 37 रन की बड़ी जीत दर्ज की है। जी हां, आपको बताते हैं पूरे मैच का हाल क्या रहा। पहले दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बैटिंग करते हुए शिखर धवन ने शानदार 43 रन बनाए। उसके बाद कोलिन इंग्राम के 32 गेंदों पर 47 रन की बदौलत दिल्ली को आज अच्छी शुरुआत मिली, ठोस शुरुआत मिली। लेकिन सबसे मज़ेदार और सबके धमाकेदार पल रहा ऋषभ पंत के 27 गेंदों पर 78 रन। जी हां, आपको बता दें इन 78 रनों में 7 चौके और 7 बड़े और गगनचुंबी छक्के शामिल हैं, जिसकी बदौलत दिल्ली ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 213 रन का विशाल लक्ष्य दिया। ऐसे में मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और क्विंटन डीकॉक उतरे मैदान पे ओपनिंग करने, लेकिन आपको बता दें कि रोहित शर्मा मात्र 14 रन बना के तो क्विंटन डीकॉक 27 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी पहली बार मुंबई इंडियंस की तरफ से करने उतरे युवराज सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया, 35 गेंदों पे 53 रन बनाए, 3 छक्के भी लगाए। लेकिन आपको बता दें ये पारी आज बेकार चली गई, क्योंकि पूरी मुंबई इंडियंस मात्र 176 रन पे ऑल आउट हो गई। आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी बात यह रही कि जसप्रीत बुमराह बैटिंग करने नहीं आए, क्योंकि उनको पहली इनिंग में गेंदबाजी के दौरान अंतिम समय फील्डिंग करते समय चोट लग गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरा भारत डर गया है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप के सबसे शानदार गेंदबाज माने जा रहे हैं भारत की तरफ से, तो ऐसे में आज जहां मुंबई इंडियंस को एक 37 रन से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो वहीं पंत की शानदार बल्लेबाजी ने जहां वर्ल्ड कप के रास्ते खोल दिए हैं, तो वहीं जसप्रीत बुमराह की लगी चोट संकट में ला दी है मुंबई इंडियंस को। तो वहीं आपको बता दें कि आज हार्दिक पांड्या का बल्ला भी नहीं बोला और वो 0 रन पे आउट हो गए, जबकि उनके भाई कुणाल पांड्या ने 32 रन की अहम योगदान पारी खेली, लेकिन वो पारी भी मैच नहीं जिता पाए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने न केवल मैच जीता बल्कि मुंबई के मैदान पे मुंबई वासियों का दिल भी। तो कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई राय है तो जरूर दीजिए।